तो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम कराने जा रहे हैं टीम रोमन रेंस वर्सेस टीम सेथ रॉलिंस, ये एक्सट्रीम रूल मैच। तो देखते हैं कौन जीतता है ये मैच को। शुरू करते हैं, लेट्स गो। और ये मैच चालू हो गया है और दोनों प्लेयर किसी को भी पीट सकते हो। फिलहाल के लिए एजे को पेडिग्री, ओ एजे को पेडिग्री मार दी है। उधर दोनों रोमन और बटिस्टा एक दूसरे को देख रहे थे खड़े खड़े। और हाँ, मैं ये बता दूँ, ये मैच जिसकी भी टीम जीतने वाली है उसको मिलने वाला है मैच। और पेडिग्री रिवर्स हुई है, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, उसको मिलने वाला है मैच। अगर टीम रोमन और एजे की जीती तो उन्हें मिलेगा सेथ रॉलिंस से मैच वर्ल्ड हैवी वेट चैम्पियनशिप के लिए। और अगर टीम बटिस्ता और सेथ की जीती तो उनको मिलेगा मैच आईसी चैम्पियनशिप के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए बटिस्ता बॉम्ब लगने वाली है। एजे स्टाइल्स की हालत ख़राब कर दी है। एक पेडिग्री, एक बटिस्ता बॉम्ब, ऊपर से रोमन कूद गए और सेथ रॉलिंस भी पिटने लगे हैं। अब रोमन को स्पियर लगानी चाहिए थी। और मैं ये भी बता दूं कि जो भी टीम जीतेगी उसको इसी वीडियो में मैच मिलेगी। तो देखते हैं कौन जीतने वाला है। और टीम के दोनों प्लेयर को मैचेस मिलेगी तो ट्रिपल थ्रेट मैच होगा। फिलहाल के लिए बटिस्ता कुछ निकालने जा रहे हैं नीचे से। और ओके, बैंग, बच गए। ठीक है, सेट पिट रहे उधर, मुझे लगा बच गए थे लेकिन नहीं बचे। और बैंग, हो, एजे जल्दी आ जाओ। सेट भी पिटे हुए हैं, एजे खड़े हो गए। और उधर बटिस्ता पीट रहे थे फिलहाल बेसबॉल बैट से, लेकिन ओ, और एक सुप्लेक्स पड़ने वाली है। ठीक है, बटिस्ता ने एजे को ऊपर भेज दिया है और एक नेक ब्रेकर लगा दिया है रोमन को। बढ़िया टैग टीम मूव के साथ खेल रहे हैं दोनों। और पीछे से, और ठीक है, बैंग, एक डीडीटी लगा दी है, इन फॉलिंग डीडीटी। और उधर रोमन रेंस को स्पियर लगानी चाहिए। एजे के पास भी अपने तीनों फिनिशर बाकी हैं। देखते हैं किसे मिलने वाला है ये मौका चैंपियनशिप मैच के लिए लड़ने का। फिलहाल के लिए ओके, कॉर्नर में ले जाके मारने की। ओके, बटिस्ता अटक गया क्या? बटिस्ता ये क्या कर रहे हो? केर, ठीक है, बटिस्ता भी वापस आ जाएंगे अब। हाँ, और ऊपर चले जाओ, ऊपर लड़ो जाके। के एक बिग बूट आ गई है और रोमन रेंस अपनी पकड़ मजबूत करते हुए इस मैच में ऊपर भेजने की कोशिश कर रहे हैं बटिस्ता को। बटिस्ता ऊपर नहीं जा रहे हैं लेकिन, और ठीक है, ओ क्रॉस फेस लगा दिया है। और क्या होगा, टैप तो नहीं करेंगे वैसे सेट। ठीक है, अभी टैप नहीं करेंगे। और पेडिग्री भी है वैसे, तो पेडिग्री भी लगानी चाहिए। ओके, सेट के पास पेडिग्री नहीं है अभी क्योंकि अपने दोनों फिनिशर वेस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन एक फिनिशर वेस्ट किया था, एक फिनिशर यूज़ किया था। और एक और डीडीटी, और सेट, ओके, सेट को भी ऊपर भेजने की कोशिश कर रहे हैं रोमन लेकिन ऊपर जा नहीं रहे। बटिस्ता बहुत बढ़िया, ऊपर चले जाओ, एजे से ऊपर लड़ो। और एजे ने बाहर फेंक दिया। अरे एजे, ऊपर आ जाओ, वापस आ जाओ। ओके, कुछ निकालने के लिए रुक गए नीचे। बटिस्ता क्या निकाल रहे हैं? टेबल निकाल लिए बटिस्ता ने। बटिस्ता ऊपर आओ, और चलो, सेट भी ऊपर आ गए हैं। सेट ने रिवर्सल किया है जो कि अच्छी बात है। और बैंग बैंग, और दोनों मिलके बटिस्ता को मार रहे हैं, 2-on-1 कर रहे हैं बटिस्ता के साथ। और सेट नीचे स्टील स्टेप्स लेने चले गए। ओके, एक डीडीटी पड़ी और एक और एक स्पियर लग गई है बटिस्ता को। बटिस्ता बाहर नहीं हुए अभी लेकिन शायद बाहर हो जाए, कब तक टिकेंगे। सेथ रॉलिंस ऊपर से जंप मारते हुए एजे की हालत और खराब होती हुई। सेथ के पास फिनिशर या सिग्नेचर आ गया तो सबसे पहले एजे स्टाइल्स बाहर ना हो जाए, क्योंकि तो जिसके भी टीम का एक प्लेयर बाहर होगा वो बहुत पिटने वाला है। और ठीक है, बटिस्ता के बाद बटिस्ता बॉम्ब आ गया है लेकिन बटिस्ता बॉम्ब ले नहीं रहे।
हेड डैमेज करते हुए सेथ रॉलिंस और पेडिग्री लगाने जा रहे हैं। ओके, पेडिग्री नहीं, मूव थीफ का यूज कर दिया है और स्टाइल्स क्लैश, और एज स्टाइल्स बाहर हो गए। रोमन रेंस अकेले पड़ गए हैं। रोमन अपना आईसी टाइटल आज बचा नहीं पाएंगे, मुझे लगता है आज तो डिफेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार तो सोलो ने बचा लिया था, लेकिन इस बार डिफेंड करना पड़ेगा मुझे लगता है। और सेथ रॉलिंस स्टॉम्प लगाएंगे क्या? नहीं, स्टॉम्प नहीं लगाने जा रहे अभी के लिए। सुप्लेक्स, ओके, गजब का ये सुप्लेक्स दिया है, मुझे नहीं लगता। ओके, स्पियर आने वाली है, सेथ रॉलिंस भी बाहर हो गए। ओके, बटिस्ता और रोमन बच गए, दोनों की टीम से एक एक प्लेयर बच गए। बटिस्ता मैच चाहिए तो रोमन को हराना पड़ेगा, रोमन मैच चाहिए तो हराना पड़ेगा बटिस्ता को, अगर सेथ से मैच चाहिए, और वहीं पर रोमन को कुछ करके दिखाना पड़ेगा अब, अगर मैच जीतना चाहते हो तो। और अगर बटिस्ता जीतना चाहता है और रोमन रेंस से लड़ना चाहता है तो बटिस्ता को बहुत बढ़िया लड़ना पड़ेगा। और बढ़िया लड़ने से मेरा मतलब है एक बटिस्ता बॉम्ब, क्योंकि रोमन के पास भी एक ही फिनिशर है, वो तो तुरंत लगा देंगे। स्टील स्टेप्स उठाने नहीं जाना चाहिए था, और बैंग, ये लगा होगा रोमन के कस के। रोमन को स्पियर नीचे ही लगा देनी चाहिए। मूव थीफ का यूज करके सेथ ने एजे को कैसे बाहर किया, स्टाइल्स क्लैश मार के, मजा आ गया वो देख के। बटिस्ता ऊपर चले जाओ, बटिस्ता को सामान निकालने जा रहे हैं, निकाला लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, और ऊपर नहीं गए, ऊपर चले जाना चाहिए था। और बैंग हेड डैमेज, रोमन तुम ही ऊपर चले जाओ, बटिस्ता खुद आ जाएंगे, और नेक ब्रेकर दे दिया है। अब स्टील स्टेप्स उठाई जा रही है फिर से एक बार, स्टील स्टेप्स उठा लिए, ओहो बटिस्ता पे पटक दी, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे पटका अभी जैसे बास्केटबॉल खेल रहे हो रोमन, वैसे ही बटिस्ता को ऊपर नीचे कर रहे थे, लेकिन आजा ऊपर आ जाओ रोमन। हाँ, बेसबॉल बैट लेके ऊपर आ गए, बेसबॉल बैट से पड़ेगी बटिस्ता, बटिस्ता रिवर्स कर, हाँ ठीक है, एक बटिस्ता बॉम्ब लगा, बटिस्ता बॉम्ब लगाना था, ये क्या कर रहे हो। रोमन के पास सिग्नेचर भी आ गया है, रोमन खतरनाक है। ओके, चेयर निकालने जा रहे हैं, ओके चेयर, ओ बैंक, और ऊपर ले गए हैं बटिस्ता को वापस, चेयर का इस्तेमाल नहीं करने दिया है। और बैंग स्पियर लगाने जा रहे थे रोमन मेरे ख्याल से, लेकिन एक आ गया शोल्डर टैकल, ठीक है, और बटिस्ता बॉम्ब पड़ा, रोमन बाहर हो जाएंगे। ओके, बटिस्ता बॉम्ब तो लगा लेकिन रोमन बाहर नहीं हुए हैं अभी। 1-2 में किक आउट हो गई है, रोमन ने रेजिलेंस तक का यूज नहीं किया, मुझे लगता नहीं बटिस्ता मैच ले पाएंगे रोमन से आईसी चैंपियनशिप के लिए। और मैं बात कर रहा हूँ, अगर बटिस्ता जीते तो सेथ को भी आईसी चैंपियनशिप के लिए मैच मिलेगा, लेकिन स्पियर आने वाली है, रोमन ने जीत लिया, अब रोमन को सेथ से मैच मिलेगा, रोमन और एजे को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सेथ रॉलिंस से मैच मिलेगा। चलो देखते हैं अब कौन जीतेगा ये वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच। तो चलो ये वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियनशिप का मैच भी शुरू करते हैं, जो कि रोमन और एजे ने खुद से कमाया है, तो चलो देखते हैं कौन जीतेगा ये मैच। और ये चैंपियनशिप मैच इधर चालू होता हुआ, सेथ रॉलिंस ने आते के साथ पेडिग्री लगी, क्या रिवर्स तो नहीं होगी? नहीं, पेडिग्री लग गई है एजे स्टाइल्स को। क्या ये मैच सेथ रिटेन करके चले जाएंगे अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, या फिर जो इतनी मेहनत से रोमन रेंस और एजे स्टाइल ने अपना मौका कमाया है, या फिर उन दोनों में से कोई जीत जाएगा, रोमन या सेथ में, रोमन या एजे में से कोई? सेथ रॉलिंस तो चैंपियन है ही। ओके, क्या सोच के रुक गए, क्योंकि इस बार मैंने सबको एक एक फिनिशर ही दिया है, जो कि सेथ अपना फिनिशर यूज कर चुके हैं पेडिग्री, एजे के पास बचा है, रोमन के पास बचा है, इसलिए रोमन ने थोड़ी अकल लगा रहे हैं मेरे ख्याल से। और मैंने पहले ही बता दूं कि ये रोमन और एजे ने मौका कमाया है, मैंने ऐसे ही मैच नहीं दिया इन लोगों को। फिलहाल के लिए रिवर्स, एजे और सेथ ही लड़ रहे हैं कितनी देर से, रोमन क्या कर रहे हो, रोमन भी लड़ो। ओके, बिग बूट मौके का फायदा देख रहे थे, मौके का फायदा उठाना रोमन को आता है, बिल्कुल मौका ताड़े बैठे थे, जैसे ही डिस्ट्रैक्शन हो मैं बिग बूट लगाऊं, ख़त्म करूं, और ओके बच गए। एजे एक स्टाइल्स क्लैश या फिलोमिनल फोर आर्म मार दो जाके। ओके, स्पियर लगा दी है, ओ ओ
स्पियर लगाई है, पिनफॉल हो सकती है, 1-2-2 में किक आउट कर दी सेट ने। रोमन के पास भी जो फिनिशर था वो ख़त्म हो गया, अब एजे के पास बचा है अपना फिनिशर। एजे किसे लगाओगे? ओके सेट खड़े हो गए, सेट को मारना पड़ेगा। योरोनागी भी पड़ गई है, योरोनागी पड़ गई है तो मेरे ख्याल से मामला और ख़राब होने वाला है। लेकिन ठीक है, काउंटर हुआ है, एजे वहाँ पे अब रेस्ट करने चले गए हैं। एजे स्टाइल मार रहे हैं नीचे से खड़े खड़े, गलत बात है, एजे ऊपर आ जा। एजे स्टाइल्स पे स्टाइल मारे जा रहे हैं क्योंकि इनका नाम ही है एजे स्टाइल्स फिलहाल के लिए। और एक रोलिंग सुपर केक आती हुई एजे आ गए हैं। एजे को हाँ ठीक है, मारो मारो अगर ओके। एजे को ओ नेक ब्रेकर दे दिया है, रोमन को ऊपर फेंका है। और ऊपर चले जाओ से, तुम भी ऊपर चले जाओ। स्टील स्टेप्स उठा लिया है, स्टील स्टेप्स मार भी दिया, ठीक है ऊपर चले जाओ सेठ। रोमन नीचे आ गए वापस, एक स्टील स्टेप शॉट पड़ चुका है स्टाइल्स को। और ये नेक ब्रेकर आता हुआ एक, और रोमन रेंस सबको मार रहे हैं, लेकिन रोमन रेंस को अभी तक ज़्यादा कोई मार नहीं पाया है। रोमन रेंस चलो फाइनली, और एक सुप्लेक्स भी रिवर्स कर दी। रोमन रेंस इस मैच में जीतेंगे और क्या आईसी चैंपियन और वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन बन जाएंगे क्या? ओके, क्योंकि रोमन को ये तो मैंने कहा था कि रोमन को भी अपना चैंपियनशिप डिफेंड करना है, लेकिन उनके लिए कोई जीत ही नहीं पा रहा है। सेठ और बटिस्ता हार गए, इसलिए आईसी टाइटल आज भी डिफेंड नहीं हो रहा है। सेठ और बटिस्ता जीत जाते तो शायद रोमन रेंस अपना चैंपियन शिप जो है वो डिफेंड करते, लेकिन क्या कर सकते हैं, रोमन की किस्मत अच्छी है के बचे। और एक पहले किक, ठीक है बढ़िया। एजे स्टाइल्स बढ़िया लड़ते हुए, अब रोमन को थोड़ा सा रोमन का कंट्रोल जो मैच पे था वो हटता हुआ। फिलहाल एजे स्टाइल्स के पास सिग्नेचर भी है, फिनिशर भी है। एजे ने बहुत अकलमंदी का काम किया है कि शुरुआत में अपना फिनिशर नहीं दिया इस मैच में, और अब देने जा रहे हैं। क्या रोमन बाहर हो जाएंगे? क्या रोमन का टाटा होने वाला है? नहीं, पिनफॉल भी हो सकती है, वैसे रेजिलेंस है। 1-2-2 में किक आउट कर दी है। रोमन के पास भी अब सिग्नेचर आ गई है। सेठ रॉलिंस के पास ही अभी कुछ नहीं आया है। सेठ ने लैडर निकाल ली है, लैडर का क्या करोगे इस मैच में? और एक DDT रिवर्स करी रोमन रेंस ने। रोमन रेंस स्पीयर तो नहीं बची अब रोमन रेंस के पास, लेकिन आने वाली है। और एक सुप्लेक्स दिया एजे स्टाइल्स को, एक DDT पड़ती हुई, या इसे फेस बस्टर बोल सकते हैं। और एक नी कनेक्ट करते हुए फेस पे एक नी गजब की मारी है, फंसा के पिनफॉल वार नहीं होने वाली है। एजे स्टाइल्स फिर से नीचे स्टाइल मार रहे हैं पूरी, और सेट के पास भी वैसे आने वाला है फिनिशर अपना। और बैंग पंच पे पंच, ठीक है रोमन एक सुप्लेक्स भी देंगे एजे स्टाइल्स। अच्छा मौका है रोमन को मारने का, रोमन को मारने का, कैप का शल लगाने का। रोमन टैप करोगे क्या? रोमन एक्सट्रीम रूल मैच है इसलिए रोप का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और नहीं नहीं, रोमन ने टैप नहीं करा, रेजिलेंस का यूज़ भी नहीं करा, बढ़िया रोमन। और ओ ओ, और एक सुपर किक, एक सुप नहीं 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 सुपर किक नहीं मारी है, लेकिन एक किक जरूर लगाई है। और अब सेठ के पास भी एक पेडिग्री आ चुकी है, क्या बाहर हो जाएंगे एजे स्टाइल्स? नहीं, रिवर्स कर दी एजे ने, एंड मूवमेंट पे रिवर्सल किया है। अब एजे के पास दो स्टाइल्स क्लैश आ चुके हैं, या फिर फिनोमिनल फोरआर्म भी मार सकते हैं। नीचे भी द वंस के नारे लगने चालू हो गए हैं, रोमन ऑडियंस अपनी तरफ इकट्ठी कर रहे हैं। वी द वंस कर दिया है रोमन ने। ओके फिलहाल के लिए स्टील स्टेप्स लेके खड़े हो गए हैं, लेकिन जो कि नहीं करना चाहिए। एजे नीचे आ रहे हैं और कूद भी जाएंगे। एजे लगाओ ना स्टाइल्स क्लैश, क्या कर रहे हो? एजे स्टाइल्स क्लैश लगाने जा रहे हैं, एजे स्टाइल्स क्लैश, नहीं, मुझे लगा स्टाइल्स क्लैश लगाने जा रहे हैं, लेकिन ये तो फिर से एक बार टॉन्ट मार रहे थे। और ये केंडो स्टिक का यूज़ एक और बार यूज़, ओके ठीक है एक बार और यूज़ नहीं हुआ, स्टाइल्स क्लैश देनी चाहिए एजे को, वरना ये मैच हार जाएंगे अब अगर ऐसे ही फिनिशर नहीं लगाएंगे अपना। और उधर लैडर सेट कर दी है रोमन रेंस ने, 1-2, और सेट ने किक आउट कर दिया, लैडर सेट हो गई है। रोमन आओ और मारो ना फिर, बढ़िया। और एक सुप्लेक्स आती भी, बढ़िया। और एक स्पियर आने वाली है, नहीं, बच गया, ठीक है स्पियर नहीं आई। और बैंग
सेट के पास पेडिग्री बची नहीं है और मूव थीव बचा था, मूव थीव का यूज़ करेंगे एजे स्टाइल्स बाहर। एजे स्टाइल्स अभी भी एलिमिनेट नहीं हुए हैं, एजे स्टाइल्स की किस्मत अच्छी है। और फिलहाल के लिए 1, 2 और 3 एजे स्टाइल्स बच नहीं पाए इस मूव के बाद, और अब रोमन और सेट बच गए हैं। सेथ रॉलिंस के पास फिनिशर नहीं बचा है। ओके, एक मुक्का मारा है लेकिन फिनिशर नहीं है एजे के पास, और रोमन के पास एक स्पीयर बची है। रोमन रेंज बाहर कर सकते हैं, स्टील स्टेप लेने गए हैं, स्टील स्टेप लाएंगे रोमन रेंज उधर स्टाइल मारते हुए जो कि नहीं मारनी चाहिए थी, और पैर पकड़ के नीचे टॉयम बकल पे लैंड कर गए रोमन, और बैंग गलत जगह फेंक दिया। लैडर उधर सेट है, सेट लैडर कहीं और सेट है। ओके, स्टाइल से नीचे से निकले सेट, लेकिन लैडर कहीं और सेट थी और कहीं और फेंक दिया रोमन को, और स्टील स्टेप्स नहीं उठानी चाहिए थी। रोमन के पास स्पीयर है, सुपरमैन पंच और स्पीयर ही लगाएंगे, सुपरमैन पंच कनेक्ट। क्या रोमन रेंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत लेंगे? रोमन ने ये जीत लिया और रोमन बन गए हैं इंटरकॉन्टिनेंटल के साथ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी। ये मैच रोमन ने पता नहीं कैसे जीती, लेकिन मज़ा आ गया ये मैच देख के। फिलहाल के लिए मैच इधर ख़त्म होती है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना। तब तक के लिए मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।